हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग इतना आसानी से प्रूव करेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप विश्वास कीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन एक और देंगे और वो आपसे खुद बनेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कैसा लगा। ठीक है, पूरा बेहद पूरा समझ में आएगा जो कि आपको बहुत मदद करेगा इस क्वेश्चन में। अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आज इस क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर तुमको कोई बता दें कि टफ है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर समझ में आए तो बहुत इजी है, हमने तो जानते ही हो। तो अच्छे से पढ़ो इसको, और मेरा मकसद ये है कि हम आपको पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो डाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें देखो उस प्रकार के क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पर दिए थे, वो बना कि नहीं बना ये हमें बताना जरूर। ठीक है, चलो तो इसको बनाते हैं और ये भी बताना कि ये कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, इफ 10a इक्वल टू 4a, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हम ये प्रूफ करना है। दिया हुआ है 10a इक्वल टू 4b। ठीक है, अब देखो हमें a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी चाहिए 90 डिग्री इक्वल टू। ठीक है, हमें 10 और 4 को किसी एक को, ये दोनों को हटाना है। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो या तो चेंज आप इसको करो या फिर इसको करो। तो देखो इसको अगर हम कर देते हैं तो क्या हम इसको 10 को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए, बताओ। और इसको ऐसे छोड़ देंगे, कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला एक होती है कि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है? 10 थीटा। बताओ ये होता है कि नहीं? कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है 10 थीटा। अब इसी का 10 की अगर याद करना है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। अगर ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें, हम आपको इसको अच्छे से याद करवा देंगे, वो बता देंगे कैसे याद किया जाता है। ठीक है, चलो तो या तो हम इस, या तो आप इसको बदल सकते हैं या फिर इसको भी बदल सकते हैं। अगर मान लो इसको बदलना हो तो आप क्या करते हैं? तो आप सिंपल में लिखते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाता, ठीक है, कोट थीटा। तो ये इसके जगह पर हम क्या करते हैं, 10 90 माइनस थीटा, इसके जगह पर हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होती है फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो ऐसे बदल जाता। तो हम इधर वाला बदले, आप इस तरफ वाला बदल के बना के देखना। तो यहाँ पर कोट और कोट हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू बी। काटना नहीं, ये हो गया खत्म। अब हमें चाहिए, तो देखो बहुत सिंपल है, ए इधर नेगेटिव में है, उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी, बताओ ये प्रूफ हुआ कि नहीं? आप इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो बताओ है इजी या नहीं, लगा अच्छा? चलो इस प्रकार का क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपको बनाना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर है कि हुआ है इफ, सब लैंग्वेज वही है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, आपको ये दिया साइन ए इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ ये बनेगा कि नहीं प्रूफ करना, और ये दिया हुआ लैंग्वेज सब वही है। ठीक है, तो इसको भी वैसे बदलेंगे, इसको भी वैसे बदलेंगे। तो साइन को क्या हम कोस 90 माइनस ए लिख सकते हैं? ठीक है, इसको आप एक बार देखना बना करके, उसके बाद आगे बढ़ा सकते हो वीडियो को, नहीं तो देख लो। और इसको हम क्या लिखते हैं, कोस कोस कैंसिल, तो हो गया 90 माइनस ए इक्वल टू बी, यानी कि 90 इक्वल टू ए प्लस बी। है आसान, है इजी। ठीक है, चलो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम 5 भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ये बताना कैसा लगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेकर गए थे, ताकि आपको एक क्वेश्चन तो एक का हम ही बता देंगे, ये आपके लिए था, आप इसको बना सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। वो क्वेश्चन नंबर है
लिखा हुआ है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a का वैल्यू पता करना है। अब हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ही, ठीक है, अगर आप वो देखे होंगे तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या इसको sec काम जो लिखा हुआ है एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं 4a इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर इसको बदलेंगे, बस इसमें बदलना ही है, इसको बदलेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो आगे उसी को देख करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला होती है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ठीक है, इसी का और भी बोल सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है sec थीटा, होता है कि नहीं, चलो ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलो तो इसको बताओ कोसेक और कोसेक हो गया खत्म, बच गया हमारा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब a इधर नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, और 20 नेगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 4a। अब इसको ऐड कर देंगे हो जाएगा 5a, और इसको ऐड करेंगे 110, a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 110/5, ये हो गया हमारा a का वैल्यू आ जाएगा दो बार में 10, फिर से दो बार में 10 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम 3 में बता चुके थे, आप उसको नहीं देखें तो आप उसको जाकर के देखिए, वहाँ पर ऐसा वाला बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ऐसा वाला क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम एक और देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6, ठीक है, 6 है, लिखा हुआ है आप बुक में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन ए प्लस सी सॉरी साइन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू, ये आपको हमें प्रूफ करना है। देखो हमें दिया हुआ है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल का एंगल है, और शो करना है हमें, दिखाना है, हम लिख दे रहे हैं सो दैट हमें शो करना है वो है साइन बी प्लस सी बटा में दो इक्वल टू कोस ए बाई टू, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हाँ लेकिन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर के लिए, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देंगे जो आपको बनाना होगा। चलो तो हमें दिया हुआ है किसी ट्रायंगल में है ये, तो हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताइए किसी भी ट्रायंगल का अंदर के तीनों जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है 180 का, जो आप जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब बताओ 180 डिग्री तो हमारा एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक है, हमें क्या चाहिए, देखो हमें जो प्रूफ करना चाहिए वो जो प्रूफ करना वो उसके तरफ बढ़ेंगे, हमें बी प्लस सी उधर ए है तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी को इधर ही रखेंगे, ए को उधर रखेंगे, ठीक है, नहीं तो आप अगर सी को इधर उधर करो तो गलती हो जाएगा, क्योंकि जो प्रूफ करना उधर ही चलेंगे, तो ये हम इसको ऐसे लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, बस एक इसको देखते जाओ दूसरे का क्वेश्चन तो खुद बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी बाई टू है, बटा में टू है, इधर भी टू है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं दोनों तरफ दो से डिवाइड कर देंगे, बताओ समझ में आया। चलो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको ये हो गया 2 माइनस ए बाई टू, क्योंकि ये अकेले ए बाई टू है, ठीक है, ये काट देंगे तो हो जाएगा 90, बोलो 90 लिख दे डायरेक्ट यहाँ, चलो यहाँ पर लिख दे 90। अब देखो क्या है, इधर साइन है साइन, चलो तो साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, साइन दोनों तरफ हम ले लिए, ये हो गया साइन, ठीक, अब साइन ए वाला को तो इधर छोड़ दो, मिल रहा है इधर,
उधर कोस है तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। तो अगला स्टेप में हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस थीटा, थीटा की जगह पर ए बाई टू। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, उसको जरूर सोल्व करेंगे। ठीक है, बताओ ये समझ में आए कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो होती है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। चलो इसका एक और जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है हमें, इसका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। दिया हुआ है टेन ए प्लस टेन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कोट सी बाई टू, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये क्या करना है, शो करना है, दिखाना है कितना होता है कि नहीं। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी इसको देखे थे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसमें भी सब वही लैंग्वेज है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180, तो सभी ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो 180 के इक्वल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी को इधर रखेंगे, सी को उधर करेंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब क्या करके, दो है, दो से क्या करें, डिवाइड कर दें, तो लिख दो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय टू। ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस सी बटा टू। अब यहाँ पर देखो वो सी बाई टू है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, इसको यहाँ भी दो, अब यहाँ भी दो। अब कभी सर यहाँ पर दो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी दो 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 जगह लिख दें, इसका एलसीएम लेगा ना, एलसीएम लेगा तो दो ही आएगा। ठीक है, तो ये काट दिए, 90 हो गया। अब अगला स्टेप में चलते हैं, ये हो गया हमारा 90 माइनस सी बाई टू। अब क्या जरूरत है, 10 लेंगे, कोट नहीं 10 लेंगे, तो दोनों तरफ टेकिंग, इसको लैंग्वेज लिखना है, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 10 ए प्लस बी अपॉन में 2, और इधर हो जाएगा 10 90 माइनस सी बाई टू। अब 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, इसको रट लो, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा, थीटा के ऊपर सी बाई टू। तो ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आगे हमारा ये ए प्लस बी, ये हमारा प्रूफ हो गया, 10 ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कोट सी बाई टू, जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन से तो और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, एक हम आपके लिए आरएस अग्रवाल से लाए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इसमें परेशानी होगी। एक और क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, वो कहता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो ये हमें दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, किस टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ऐसा टर्म में एक्सप्रेस करना है जो कि इसका जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में आ जाए। बहुत ईजी है, देखो ध्यान से कैसे इसको करेंगे सॉल्व। हम ये हमें दिया हुआ, तो ये तो इसके बीच में नहीं है, लेकिन हमको इसके बीच में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 में बचेगा। बताओ 90 में से कितना घटाएंगे कि 66 बचे, तो उल्टा काम कर दो, 90 में से कितना घटा दो, आ जाएगा 32 यानी 23। बताओ समझ में आया। अब प्लस है, प्लस कोस कितना, 90 में से कितना घटाएंगे 75 आएगा, तो उल्टा काम कर दो, 90 में से 75 घटा दो, पता चल जाएगा ये 5 हो गया 2। ठीक लग रहा है, चलो अब ये हो गया, बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब अभी फॉर्मूला में देखे थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस
थीटा, कोस थीटा के ऊपर हमारा 23 है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा के ऊपर बताओ ये जो हमारा एक्सप्रेस हुआ वो 0 और 45 के बीच में हुआ कि नहीं, ये हमारा हो गया आंसर। तो बताना दोस्तों कैसा वीडियो लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर जितने भी, एक ही क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन तो हम ही बता देंगे आपको, और क्वेश्चन देंगे ताकि आप उसे सीखिए, ठीक है। क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रहेगा तो क्या फायदा हुआ, और देंगे उससे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे ताकि आप उसको खुद से बनाइए। मेरा मकसद है आपको रटाना नहीं बल्कि सिखाना, ठीक है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।